नमस्कार दोस्तों, मैट्रिक और इंटर के लिए जो स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन हुआ था, यानी इसमें स्कॉलरशिप के लिए जो 10,000 रुपया मिलता है मैट्रिक और इंटर के पास करने पे, फर्स्ट डिवीजन आने पे या सेकंड डिवीजन, तो उन सभी के लिए जो ऑनलाइन अप्लाई हुआ था, तो उसमें बहुत सारे छात्र को ऐसा मैसेज आ गया है। देखिए, इस मैसेज में लिखा गया है स्कॉलरशिप के लिए नाम लिखा हुआ, रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया गया है, यानी जिन कैंडिडेट का रिजेक्ट है उनका मैसेज आ गया है। और इसमें बताया गया है कि आधार का जन्म तिथि और मार्कशीट का जन्म तिथि मैच नहीं है, कृपया यूजर आईडी और पासवर्ड के साथ लॉगिन कर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करें। तो जिन भी छात्र का ऐसा जो मैसेज आया है, वो अपना लॉगिन करके उसमें जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है उसको अपडेट कर ले, और अगर आप अपडेट नहीं कर सकते हैं तो आपका जो पैसा है वो नहीं मिलेगा। और अगर आपका आधार कार्ड में जन्म तिथि और मार्कशीट में दोनों मैच नहीं कर रहा है, तो आप आधार कार्ड को करेक्शन करा लीजिए, यानी सुधार करवा लीजिए मार्कशीट लगाकर। मार्कशीट और आधार कार्ड दोनों में जो आपका जन्म तिथि होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, तभी जो है आपका ये पैसा मिल पाएगा। तो ये सभी छात्र का जो है अभी नहीं आया है, कुछ लोगों का इसमें अभी जो है बाकी है, तो सभी लोगों को जब आ जाएगा, जिन कैंडिडेट का यानी स्टूडेंट का आ गया है, वो अपना लॉगिन करके इसको सुधार करा ले। सुधार नहीं कराइएगा तो फिर आपको पैसा मिलने में दिक्कत हो सकता है। तो ये छोटी सी अपडेट थी। और इसमें देखिए, ये मैट्रिक और इंटर दोनों का जो है सभी लोगों का मैसेज नहीं, कुछ ही लोगों का मैसेज आया है जिनका रिजेक्ट हुआ है, और जिनका अभी वेरीफाई नहीं हुआ है उनका मैसेज नहीं आया है। तो जिनका मैसेज आ गया है वो अपना अप्लीकेशन अपडेट करा ले, नहीं तो उनका पैसा नहीं मिलेगा, और अपना जन्म तिथि में मार्कशीट के अनुसार ही करा ले आधार कार्ड में, तभी जाकर ये पैसा मिल पाएगा। तो ये छोटी सी अपडेट थी। इसी तरह के अपडेट पाने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।